हमारे यहाँ रहो, मैं अपनी बेटियों में से एक बेटी का निकाह
तुम्हारे साथ कर रहा हूं इस शब्द के साथ 8 या 10 साल तुम मेरे से मत करो। और मान ली उनका महल था, यानी ससुर की खिदमत करना सुन्नत मुसबी है, मूसा की सुन्नत है। पर मान लीजिए खिदमत क्या थी, ट्रेनिंग थी जनाब मूसा की, क्योंकि गुस्से वाले थे, एक तमाचा मार दिया वही मर गया। तो 8 साल तक या 10 साल तक उनका काम क्या था, बकरियां चलाना, गोश्त चलाना। तकरीबन हर नदी का यही तरीका रहा है, गोश्त चराते थे बकरियां, गोश्त वगैरह। ये बकरियां गोश्त नहीं चलवाते, परवरदिगार इनकी ट्रेनिंग कर रहा था। बेशक आप हो सकते हैं एक बकरी इधर भागी जा रही, एक जानवर उधर भागा जा रहा, एक को पकड़ गया दूसरा चला गया, उसी के लिए कहते हैं आवाम भी होती है, कोई घर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ना गुस्से में आना चाहिए, ना जज्बात में आना चाहिए, और अगर जरूरी है तो बिना मूसा की ट्रेनिंग 8-10 साल तक ट्रेनिंग कंप्लीट जब हो गई, तब उनका मूसा जाओ, हमने तुम्हें हमने तुमको यहाँ पे थोड़ी बनाया, जाओ जरा मूसा अपने कई बच्चों को लेकर निकले। सर्दी का मौसम था, कट के झाड़े पड़ रहे थे, ठंडक लगी, अपने आदमी दूर से दूर पहाड़ी के ऊपर एक आग को देखा, तो दिल्ली बच्चों से कहा तुम दिल्ली रुको यही ठहरो, हम आग के लिए जा रहे हैं। जरा मूसा गए आग के लिए, मगर उन्हें मिला गया वहाँ पर न बोल देते। अब एक हदीस सुनने मौलाए कायनात अली ने बताया, जिस बात की तुम्हें उम्मीद नहीं है उस बात की तुम ज्यादा उम्मीद रखो, और जिसकी उम्मीद है उससे ज्यादा उम्मीद न लगाओ, उम्मीदें तो पूरी करो। अब मिसाल मौला ने दी थी, यानी जिस बात की तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उसकी उम्मीद करो। वजह क्या है, जब किसी बात की कोई उम्मीद नहीं होगी दुनिया में कोई सहारा नहीं होगा, तो उसी का सहारा होगा। कहते हैं भाई डॉक्टर ने जवाब दे दिया, भैया कोई उम्मीद नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कोई उम्मीद नहीं है, तो एक उम्मीद का सहारा तो है। तो जिस बात को इनसे तुम्हारा उम्मीद हो उसको उम्मीद वाल हो। 3 एग्जाम्पल जनाब मूसा के, देखो मूसा गए थे आग लेने के लिए, किस उम्मीद से गए थे आग, मगर मिला क्या, नबुव्वत। मलके सबा बिलकिस निकली थी जनाब सुलेमान का मुकाबला करने के लिए, कहीं तुम इस्लाम मिल गया। जादूगर फिरौन की इज्जत के लिए निकले थे, तो मैदान में आए तो ईमान मिल गया। तो जिस बात की इतना उम्मीद है उससे ज्यादा उम्मीद मान। अब आ गए चढ़ गए तो आवाज आई, इन्नी अनारब होगा, इन्नी अनारब होगा, इन्नी मैं अना हम मैं रब होगा तुम्हारा रब, अरे मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, ये आवाज है। कहाँ से आवाज आई, एक तरफ से आवाज आई, अरे मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, तो जब जा रहा है जिसके जरिए जब खुदा हुक्म करे वो जरिया खुदा नहीं बन सकता। बचना मूसा के हुक्म कोई दरख्त के जरिए से तो दरख्त को सजदा करते नहीं, दरख्त दरख्त है, इसका मकसद जो वसीले को हुक्म होता है वो खुदा नहीं होता। अब अपना अपना मकाम है, अपना अपना मर्तबा है, मूसा का यह मर्तबा था कि अल्लाह ने जब गुफ्तगू की तो दरख्त को वसीला बनाया, फ़क़्त मूसा का यह मर्तबा था जब गुफ्तगू की तो अली को वसीला बनाया, तो ना दरख्त होता है ना नबी होता है। आवाज आई है ना रब पर तुम्हारा रब, फ़क़्त अलैका इन्नक वादी मुक़द्दस हुआ, मूसा तुम तोवा नाम की मुक़द्दस पहाड़ी पर हो, अपनी जूतियाँ उतार दो तो। ये तोवा से कुरान में यही तो पर आया सुना से तोवा क्या, मूसा तुम तोवा नाम की मुक़द्दस पहाड़ी पर हो अपनी जूतियाँ उतार। इसका मकसद ये है कि कुरान हमें ये तहजीब सिखा रहा है कि मुक़द्दस मकाम पर जाओ एहतराम से जाओ। अब मुराद क्या, देखिए कुरान का एक जाहिर है एक बातिन,
मैं इससे पहले आज कर चुका हूँ। बोला कहना था जो जुमला किसी खुद में लाया कम बना अपनी बुद्धू ने अल्फाज है हकीकत एक राह करना अल्लाह ने हकीकत मार्फत को अल्फाज के शिकम में रखा। अल्लाह लफ्ज से मार्फत नहीं मिलेगी, लफ्ज में मार्फत मिलेगी। इसके ऊपर मैं आज कर चुका हूँ। तो अब क्या नाने अपनी बुद्धियाँ कर दो तो बस आगे नहीं, लेकिन हकीकत में कौन सी बुद्धियाँ कौन बताएगा? हकीकत के कुरान उसे वही बता सकते हैं जिनके घर में कुरान नाजिल हुआ, इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। और कुरान की तफसीर कुरान ये अलामा आशिफ अटली की किताब है, जिन नंबर की सफा नंबर 758 साठ बिन अब्दुल्ला की, जिससे रवायत बहुत तवील रवायत है। इस रवायत का एक हिस्सा जिसका तालुक हमारे मौजू से है फखला नाले का है, ये फरमाते हैं इमाम अलैहिस्सलाम इमाम ज़मान हक जवाब अल्लाह ने कुरान में नासिल किया है।
उनकी मोहब्बत हमारे दिल में होगी नहीं होगी। तो यहां तो मोहब्बत चूस है ना, हो तो नमाज पढ़ती वहां है तो मामला करवा। तो किसी की मोहब्बत को दिल से निकालना है और किसी की मोहब्बत को अपनाना है, इसका मकसद क्या? मूसा के अहले की मोहब्बत गैर खुदा की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। रास्ते पर चलने वाले और होते हैं
में जब चली है तो करबला का जिक्र सब करते थे, क्यों? ताकि करबला से हम सबक लें कि कम तादाद में होते हुए भी कैसे कैसे मिल्लत कसरत के ऊपर फतेह हासिल कर जिस तरीके से मसूलियत की जीत होती है सुनी की हार होती है। बहरहाल हमारी दुआ है परवरदिगार हमारे वतन को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, साथियों के शर से महफूज रखे, मुतासिरीन के शर से महफूज रखे। चौथा किताब है खबरदार सब पाकि मुंतजरी
की अहमियत। चौथा टॉपिक अभी आपको सुनाऊंगा अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ है, से दसों लोग उसमें हलाक हुए हैं हमारे दसों लोग। अच्छा वो बच्चे सुंदर नहीं कैसे हम बस मत करते हैं से अल्लाह का खा है बस या सुनी नहीं जाना बस अल्लाह का दादा भी था उसकी हदीसें नहीं ना पूछी
मगर ये करबला का कमाल है, मजबूर कर दिया जमाने को जब बोलते हैं कि हदीसे की किताब में ना करें, अगर ना ना करते तो सही किताब में सही ना होगी। जब हमारी नजरों में सबसे किताबें नहीं होता जितना है जवाब शायद इमाम का सदका जिसकी वजह से ये जवाब पाया जा रहा है। चौथे मामले में मिलता है कि आपकी बात में शुरू सीरत के हवाले से ईमान की सीरत का किस तरीके से मैं 35 साल तक बनवा के करता था कि 35 साल तक आप सीधा सीरत जा रही है मदीने से बाहर निकलते हैं फोहरा और वह इस तरह से मदद करते थे कि उन्हें पता नहीं चलता था किसने मेरी मदद की। आपकी शहादत के बाद मदीना और अतराफ मदीना के फोहरा और वह को पता चला कि हमारी मदद अभी रातों में Yeah, I'm going to say that I'm only going to have